हेलो एवरी वन दिस इज मुस्कान एंड वेलकम बैक टू माई चैनल द सेक ऑफ मेडिसिन एंड मुझे इसके पहले जो अपर लिम थॉरिक्स और uh, कौन सी दूसरी अपलोड की हाँ लोअर लिम इन तीनों वीडियोज़ में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला थैंक यू फॉर दैट कीप सपोर्टिंग एंड आज अपने जो है एबडोमिन और पेल्विस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे ऐसे तो ये बहुत ही वास्ट बहुत ही बड़ा सेक्शन है बिकॉज ये ऑब्वियसली एबडोमिन और पेल्विस में बहुत सारे ऑर्गन्स इंक्लूडेड हैं सबका एनाटॉमी पढ़ना बहुत ही वास्ट हो जाएगा सो so, हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक से पहले उसको कवर करेंगे उसके बाद बाकी का बचा हुआ पोर्शन क्लियर करेंगे सो so, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है वो जानने के लिए यू हैव क्लिक डॉन वीडियो तो फिर सही है सो लेट्स प्रोसीड फर्दर तो वी आर टॉकिंग अबाउट एंटीरियर एबडोमिनल वॉल तो उसमें जो ये आगे के तीन लिखे ना सबकॉस्टल एंगल रीनल एंगल फेशिया ऑफ कैंपर फेशिया ऑफ स्कारा ये सब वन लाइनर्स है बट ये इंपॉर्टेंट है आ, क्योंकि ये जो है ना अपना जो एबडोमिन का सरफेस मार्किंग्स है उसमें नाइन रीजन्स और ये जो कुछ पॉइंट्स है ये नेसेसरी होते हैं जो पता होना चाहिए ठीक है वाइवा में ये चीज़ें पूछी जा सकती है देन मसल्स है अपने पास एक्सटर्नल इंटरनल ऑब्लिक ट्रांसवर्सस एबडोमिनस रेक्टस एबडोमिनस ठीक है इंडिविजुअली पूछ सकते हैं देन इंगवाइनल लिगामेंट इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इंगवाइनल कैनाल इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस इंग्वाइनल कैनाल के अंदर ही स्पॉर्मेटिक कॉर्ड है वो एक सेपरेट फाइव मार्क का क्वेश्चन पूछ सकते हैं ठीक है फिर ये जो रेक्टस शीथ लिखा हुआ है ना वो कभी कभी ही पूछा गया है मतलब इतना ज़्यादा पूछा नहीं गया बट ओल्ड पेपर्स में रेक्टस शीथ वाला क्वेश्चन पूछा जाता था तो कुछ हम चांस नहीं ले सकते ना अगर इस बार के पेपर में पूछते हैं या आपके पेपर में पूछते हैं तो हमें बता होना चाहिए ठीक है तो अब हम बात करते हैं मेल एक्सटर्नल जेनिटल्स की तो उसमें पेनिस जो है वो कभी कभी पूछा जाता है बट टेस्टीज़ जो है इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट उसका एक्सटर्नल फीचर्स है ब्लड सप्लाई है ये सारी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सो so, टेस्टीज़ हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है ठीक है नाउ वी विल टॉक अबाउट एबडोमिनल कैविटी एंड पेरिटोनियम इसमें बहुत सारे बहुत सारे क्वेश्चन हैं अब इसमें भी है ना ऐसा अनसर्टेनिटी रहता है इस चैप्टर में तो ये भी है ना पहले अपने पेपर को देख के अपने कॉलेज के प्रीवियस पेपर को देख के कन्फर्म करना उसके बाद इन टॉपिक्स को करना ठीक है नाइन रीजन्स ऑफ एबडोमिन और देखो एक कुछ क्वेश्चन सुन लो नाइन रीजन्स ऑफ एबडोमिन है मेजेंट्री है एपीप्लोइक फोराम है ये तीन क्वेश्चन तो हर जगह कॉमन है ठीक है बाकी और क्वेश्चन में वी हैव ग्रेटर एंड लेसर ओमेंटम एंड लेसर सेक्ट ठीक है एक बार अपने कॉलेज के पेपर्स को भी ध्यान से देख लेना उसमें जो भी क्वेश्चन हो वो भी कर लेना प्लस ये भी कर लेना ओके बिकॉज दिस चैप्टर इज़ सो वास्ट फिर इसमें ना पेरिटोनियम भी एज अ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज पेरिटोनियम डिफाइन व्हाट व्हाट आर इट्स टाइप्स है ना व्हाट आर द फंक्शन ऑफ पेरिटोनियम बट वो इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता ठीक है जितना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ओके तो नेक्स्ट चैप्टर इज़ एबडोमिनल पार्ट्स ऑफ ईसोफेगस एंड स्टमक सी ये जो ईसोफेगस है ना ये इतना ज़्यादा यहाँ से नहीं पूछते हैं जो थॉरक्स में हमने ईसोफेगस पढ़ा था ना वो ज़्यादा अच्छे से करना बिकॉज ये तो क्या जो आ, टाइटल में लिखा है कि ईसोफेगस जो कि एबडोमिन में रहता है एबडोमिनल पार्ट ऑफ द ईसोफेगस ठीक है तो ये ज़्यादा नहीं पूछते बस एक बार उसका क्लिनिकल देख लेना ठीक है बाकी स्टमक जो है ना उसका पूरा एनाटॉमी पूछा पूछा जाता है एंड उसमें भी स्टमक बेड स्पेसिफिकली एक छोटा फाइव मार्क का क्वेश्चन पूछ सकते हैं ओके नाउ वी विल टॉक अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन आई डोंट नो बट मेरे को स्मॉल इंटेस्टाइन वाला टॉपिक जरा भी नहीं पसंद आई हेट दैट टॉपिक ऐसे है इंटरेस्टिंग बट फिर भी नहीं पसंद ठीक है तो उसमें पहला है डिओडेनम डिओडेनम के जो चार पार्ट्स हैं डिओडिनम फर्स्ट पार्ट सेकेंड फर्स पार्ट, पार्ट थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट इसे स्पेसिफिकली अलग भी पूछ सकते हैं शॉर्ट नोट के लिए या फिर पूरा का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन भी डियोडिनम का पूछ सकते हैं ठीक है देन डिफरेंस बिटवीन जेज्यूनम ईलियम फिर स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन ओके सिकम का एनाटॉमी और अपेंडिक्स का एनाटॉमी ये सारे के सारे क्वेश्चन हमें उस चैप्टर में से प्रिपेयर करें ठीक है फ्रॉम द लार्ज ब्लड वेसल्स ऑफ गर्ट सीलियक ट्रंक है जो इम्पोर्टेंट है उस स्टमक का जब वो ब्लड सप्लाई पड़ोगे ना तो उसमें सीलियक ट्रंक भी आ जाएगा ठीक है देन वी हैव सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्ट्री आई डोंट नो वाई अगेन आई हेट दिस वन सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्ट्री एंड देन वी हैव इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्ट्री और पोर्टल विन इतने चार क्वेश्चन हमें इस चैप्टर में से कर रहे हैं प्लस वट इज़ दिस पोर्टो केवल एनास्टोमोसिस दिस इज़ वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट बट आई हैव नोटिस की ये एग्जाम्स में बहुत कम पूछा गया बट ये चीज़ नॉलेज uh, के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर इस टॉपिक का आपको नॉलेज होगा ना तो यू कैन रिलेट दिस टू अदर टॉपिक्स ऑल्सो और दूसरे टॉपिक समझने में ईजी रहेगा ठीक है सो दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द व्यू ऑफ नॉलेज नाउ एक्स्ट्रा हिपैटिक बिलरी अप्रेटस में गोल्ब्लैडर का एनाटोमी और उसका क्लिनिकल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन जो भी अपना वो डक्टल सिस्टम होता है पता है बाइल डक्ट होता है कॉमन हेपैटिक डट होता है ये सारे डक कौन, कौन से दो मिल्कि क्या बनाते हैं ये सब जो एकदम बेसिक है वो एनाटोमी पता होना चाहिए थी। ठीक है बाकी तो गोल ब्लैडर का एनाटोमी सिर्फ इसमें से करना है तो अब बात करते हैं स्प्लीन पेनक्रियाज़ और लीवर की तो ये तीनों टॉपिक्स इक्वली इंपॉर्टेंट है आ, तीनों की एनाटॉमी हमें एकदम अच्छे से प्रिपेयर करनी है पेनक्रियाज़ में ना जो अलग अलग उसके है जैसे हेड है नेक है बॉडी नेक है बॉडी है टेल है ये फाइव मार्क्स में से अलग से बोल देते कि डिस्क्राइब द एनाटॉमी ऑफ हेड ऑफ़ द पेनक्रियाज या नेक ऑफ द पेनक्रियाज बॉडी या फिर टेल ऑफ द पेनक्रियाज ठीक है सो यू हैव टू प्रिपेयर इट अकॉर्डिंगली किडनी और यूरेटर की बात करें तो यूरेटर ज़्यादा जल्दी पूछा नहीं जाता है लेकिन किडनी का ना एनाटॉमी पूछ लेते कि डिस्क्राइब द एनाटॉमी ऑफ राइट किडनी या लेफ्ट किडनी इन डिटेल ठीक है फुल मार्क में तो हमें कैसे करना है पहले डिफ़ाइन लिखना है कि किडनी होता क्या है उसका लोकेशन क्या है शेप साइज वेट एक्सटर्नल फ़ीचर्स यहाँ तक तो सब ओके okay है ठीक है फिर बात आती है रिलेशन की तो रिलेशन में जो भी किडनी पूछी हो जैसे कि सपोज राइट किडनी पूछा है तो आप सिर्फ राइट किडनी के रिलेशंस लिखोगे ठीक है लेफ्ट पूछा है तो सिर्फ लेफ्ट के रिलेशंस लिखोगे देन कवरिंग्स ऑफ किडनी तो दोनों में सेम है और इसको हमें एकदम शॉर्ट में लिखना है कवरिंग्स ऑफ किडनी बहुत लंबा है उतना लंबा नहीं लिखना है बट शॉर्ट में लिखना है देन ब्लड सप्लाई राइट का पूछा हो तो सिर्फ राइट right का लिखेंगे सॉरी ब्लड सप्लाई देन लिम्फ नोड लिम्फ ड्रेनेज नर्व सप्लाई एंड क्लिनिकल एनाटोमी ठीक है क्योंकि इसमें ब्लड सप्लाई में ऐसा नहीं होता ना कि राइट right का अलग लेफ़्ट का अलग वो तो लंग्स में होता था ये किडनी में ऐसा नहीं होता ठीक है जो इसके लिए मैं बीच में कन्फ्यूज़ हो गई थी देन यूरेटर ज़्यादा पूछा नहीं जाता फिर भी एक बार देख लेना बाकी तो ठीक है हो जाएगा देन नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं तो अब हम बात करते हैं सुपरा रिनल ग्लैंड एंड क्रोमाफीन सिस्टम तो सुपरा रिनल ग्लैंड मैंने देखा कि पुराने पेपर्स में एक से दो बार पूछा हुआ है कि डिस्क्राइब द एनाटॉमी ऑफ सुपरा रिनल ग्लैंड एंड डायाफ्रागम वाले चैप्टर डायाफ्राम वाले चैप्टर में हमें उसका एनाटॉमी छोटा सा ये ज़्यादा क्वेश्चन बड़ा नहीं है जो ओपनिंग्स है वो ध्यान रखना है उसका पूरा एनाटॉमी हमें ध्यान रखना है ठीक है एक अच्छे से प्रिपेयर करना है ध्यान रखना है अच्छे से प्रिपेयर करना है ठीक है तो अब हम बात करते हैं पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल की तो एबडोमिनल एयरोटाइक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है देन इन्फीरियर वेना केवा किसी किसी केसेस में पूछ लिया जाता है देन वी हैव मसल्स ऑफ पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल जो इंपॉर्टेंट है एंड देन मैंने लोअर uh, लिम की वीडियो में बोला था लंबर प्लेक्सिस एंड सैक्रल प्लेक्सिस सो लंबर प्लेक्सिस इस पोस्टीरियर एबडोमिनल वॉल वाले चैप्टर में आपको मिल जाएगा ठीक है जो इंपॉर्टेंट है तो अब हम पेरिनियम की बात करते हैं तो बाउंड्रीज ऑफ पेरिनियम जो है शॉर्ट नोट में पूछ सकते हैं जिसमें आपको बाउंड्रीज़ के साथ साथ वो ना डायग्राम में रिप्रेजेंट करना रहेगा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है ठीक है देन पेरिनियल बॉडी एंड इस्चियो फोसा फॉर द शॉर्ट नोट जिसमें पेरिनियल बॉडी ज़्यादा पूछा गया है इस्टियो फोसा कंपेरिटिवली बहुत कम बार पूछा हुआ है देन वी हैव डीप एंड सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस जो चैप्टर में बाकी का मास है जो हम बोल सकते हैं ना बाकी का कंटेंट है वो मोस्टली इसी टॉपिक के अंदर इंक्लूड uh, होता है डीप एंड सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस तो इसे इतना डीप में करने की ज़रूरत नहीं है बट बी में इसके दो टेबल्स दिए हुए हैं डीप में क्या है और सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस में क्या है तो वो टेबल एक बार हम देख लेंगे तो भी इट्स ओके ठीक है पेरिनियल मेम्ब्रेन है इट्स अ शॉर्ट नोट देन प्यूडेंडल कैनाल एंड प्यूडेंडल नर्व आर इम्पॉर्टेंट एंड इंटरनल प्यूडेंडल आर्टरी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ये लास्ट के तीन क्वेश्चन जो है ना इसको पेरीनियम में से छोड़ना नहीं है ठीक है तीनों तो करना ही है ओके सो so, अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा में से जो यूरेथ्रा है ना मेल एंड फीमेल यूरेथ्रा वो उतना ज़्यादा नहीं पूछते बट मेल यूरेथ्रा में जो भी उसके पार्ट्स हैं ना वो एक बार देख लेना एंड यूरिनरी ब्लैडर एक पूरा फुल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि डिस्क्राइब द होल एनाटॉमी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर ठीक है फिर हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की तो ओवरी का हमें एनाटॉमी आना चाहिए मतलब पूरा फुल क्वेश्चन एंड देन यूट्रस भी पूरा फुल क्वेश्चन मेरे टाइम पर यूट्रस जो है फुल क्वेश्चन में ट्वेंटी मार्क्स में पूछा था जो मैंने बहुत अच्छे से लिखा था ठीक है तो अब इसमें से दो शॉर्ट नोट्स भी निकल के आती है ब्रॉड लिगामेंट है और सपोर्ट्स ऑफ यूट्रेस है ठीक है तो अब हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में तो इसमें प्रोस्टेट इज इस वेरी 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 वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है पूरा एक फुल क्वेश्चन है उसको एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना प्रोस्टेट ग्लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट देन रेक्टम एंड एनल कैनाल दोनों क्वेश्चन हमें प्रिपेयर करने हैं फुल क्वेश्चन तो नहीं पूछते हैं बट शॉर्ट नोट है जैसा ब्लड सप्लाई है रेक्टम का या एनल कैनाल हो गया तो इन दोनों का ब्लड सप्लाई है या फिर पूरा क्वेश्चन देखो इन शॉर्ट हमें प्रिपेयर करना है लेकिन ये फुल क्वेश्चन में नहीं पूछते शॉर्ट नोट में आ सकता है ठीक है सो so, यहाँ पे अपना आज का वीडियो खत्म होता है और सारा वीडियो देख लिया फिर भी यू गाइज डिंट इवन लाइक द वीडियो यू डिंट इवन से अ थैंक यू अगर अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिख दो या एक सिंपल हार्ट ड्रॉप कर दो या कुछ तो ऐसा रिस्पोंड करो सो आई गेट टू नो कि हाँ आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है ठीक है सो प्लीज़ इवन कुछ रिस्पॉन्ड करो ठीक है कि वीडियो आपको पसंद आया ओके okay, बाकी तो अभी और टॉपिक्स पे आएंगे भी हेडनेक फेस बाकी है ब्रेन बाकी है वो भी जल्दी आ जाएगा ठीक है So, okay, thank you for watching and meet you in the next video. Till then, peace.